पुतिन ने बदली न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। जिस बात का डर था पुतिन ने वही कर दिया। पुतिन ने रूस में वो कर दिया है जिससे रूस के दुश्मन थर थर कांपने लगे हैं। रूस के राष्ट्रपति, रूस के तीन सेनाओं के सर्वेसर्वा व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदल दिया है। यानी अब रूस पर अगर किसी ने आग भी उठाई तो वो दुश्मन को एटम बम से भस्म कर देगा। अब रूस पर कोई देश गोली से हमला करेगा, रूस गोला नहीं एटम बम दागेगा। क्या होती है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, आखिर क्यों रूस ने बदला अपना परमाणु हथियारों का नियम, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले पुतिन की इस मीटिंग को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसी मीटिंग में हुए फैसले ने दुनिया को खौफ से भर दिया है। बुधवार को अचानक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक कॉल की। इस बैठक में रूस की सत्ता में बैठे टॉप लोग शामिल थे। दुनिया में पुतिन की सुरक्षा परिषद को स्पेशल नाइन के नाम से जाना जाता है, और जब जब ये स्पेशल नाइन किसी मीटिंग के लिए बैठती है तो दुनिया की धड़कने बढ़ जाती है, क्योंकि ये स्पेशल नाइन रूस की सुरक्षा परिषद है जिसमें लिए फैसले दुनिया पर असर दिखाते हैं। और इसी मीटिंग में पुतिन ने वो कर दिया जो रूस के इतिहास में अब तक नहीं हुआ। अब अगर रूस के खिलाफ मिसाइल या फिर ड्रोन हमले हुए तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अगर रूसी इलाके में बड़े पैमाने पर मिसाइल या ड्रोन हमला होता है जिससे देश की संप्रभुता पर गंभीर खतरा हुआ तो भी रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अब अगर कोई गैर परमाणु संपन्न देश किसी परमाणु संपन्न देश के समर्थन से रूस पर हमला करता है तो इसे दोनों देशों की तरफ से किया गया हमला माना जाएगा। यानी पुतिन का निशाना यूक्रेन, नेटो और अमेरिका होंगे। मीटिंग के आखिर में पुतिन ने यह भी कहा कि रूस के परमाणु हथियार देश और उसके नागरिकों की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। अब आप भी सुनिए पुतिन का वो बयान जिसने अमेरिका, नेटो और पूरी दुनिया को दहशत से भर दिया है। Четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. तो क्या मिसाइल हमले का जवाब रूसी शैतान से देंगे पुतिन? तो क्या ज़ेलेंस्की के गोले का जवाब देगी रूस की RS-24 यार्स? तो क्या रूस की इस्कंदर खत्म कर देगी ज़ेलेंस्की का यूक्रेन? ये तो रूस की वो परमाणु मिसाइलें हैं जिसका नाम दुनिया को मालूम है, लेकिन पुतिन के परमाणु गोदाम में ऐसी हजारों मिसाइलें हमले के लिए तैयार रखी हुई हैं, जिनका नाम तक दुनिया नहीं जानती। पुतिन ने क्यों बदली न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन? पिछले कई महीने से पुतिन के रक्षा मंत्री, रूस के टॉप मिलिट्री कमांडर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज करने की बात कर रहे थे। लेकिन पुतिन की इस धमकी को दुनिया के बाकी मुल्कों ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब पुतिन ने वही कर दिया जिसकी वो धमकी दे रहे थे। पुतिन का ये बयान तब आया है जब ब्रिटेन ने कथित तौर पर यूक्रेन को रूसी क्षेत्रों को निशाना बनाने के लिए स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों का उपयोग करने की अनुमति दी है। जैसे ही ये खबर आई कि यूनाइटेड किंगडम ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल के इस्तेमाल की इजाजत रूस के अंदर तक करने की परमिशन दे दी है, पुतिन की आंखें लाल हो गईं। पुतिन गुस्से से तमतमा उठे। दुनिया भर के देश ब्रिटेन की इस परमिशन से संघर्ष के बढ़ने की संभावना जताने लगे और आखिरकार बात परमाणु बम तक आ पहुंची। Редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства.
यूक्रेन को ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो और अमेरिका ने आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ATACMS मिसाइलें दी हुई हैं। ये लंबी दूरी की घातक मिसाइलें हैं जो करीब 300 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती हैं। अभी तक यूक्रेन इन मिसाइलों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी सीमा के भीतर ही कर सकता है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो के इस्तेमाल की इजाजत रूस के अंदर तक करने की दे दी है। लेकिन ब्रिटेन के PM कीर स्टार्मर ने मीडिया से बातचीत में इन मिसाइलों के इस्तेमाल के बारे में कुछ भी नहीं कहा। Certainly one reason we're having these discussions about it because Putin has illegally invaded Ukraine the quickest way to resolve this obviously lies through what Putin actually does because it's for him to end this. But we are having a discussion. We've stood with Ukraine. Ukraine has a right to self-defense. And we've stood united, not just with allies here in the US, but across with our NATO allies. That's very, very important to us. But today was about having a chance to talk not just about a particular step forward tactic, but the strategy in relation to Ukraine. पुतिन अब फैसला ले चुके हैं और दुनिया जानती है कि पुतिन एक बार जब कोई फैसला ले लेते हैं तो खुद की भी नहीं सुनते। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा है। पुतिन के दिमाग को पढ़ने के लिए अब से कुछ दिन पहले आई रूस की इन तस्वीरों को आपको जरूर देखना चाहिए। रूस के परमाणु तहखाने में पहुंचे पुतिन, क्या नया एटम बम फिट करेंगे पुतिन? वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी शुरू। आखिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि रूस से आई इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया खौफ से कांप रही है। ये तस्वीरें पुतिन के उस परमाणु तहखाने की हैं, जिसमें दुनिया को भस्म करने वाला एटम बम रखा हुआ है। और अब देखिए पुतिन को उस बम के पास लेकर जाया जाता है जिसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब कहा जाता है। पुतिन के अधिकारी एक एक बात की जानकारी उन्हें दे रहे हैं। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब को दिखाने के बाद पुतिन को परमाणु तहखाने की उस जगह पर ले जाया गया जिसकी तस्वीर दुनिया का कोई देश नहीं देखना चाहता है। जी हाँ, पुतिन को अधिकारी परमाणु तहखाने की उस जगह पर ले जाते हैं जहां पर मशरूम क्लाउड दिखता है। किसी भी परमाणु हमले के बाद इसी तरह का मशरूम क्लाउड उठता है और फिर कुछ ही देर में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। मशरूम क्लाउड देखने के बाद पुतिन बाहर निकलते हैं और एक रजिस्टर पर साइन कर देते हैं। आखिर पुतिन के साइन के क्या मायने हैं? पुतिन ने किस ऑर्डर पर साइन किया है? कुछ देशों ने तो वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन भी शुरू कर दिया है, क्योंकि सभी को पता है कि पुतिन के परमाणु बम के निशाने पर कौन है। पुतिन गुस्से से लाल है। पुतिन के निशाने पर सुपर पावर अमेरिका का पावर सेंटर यानी व्हाइट हाउस आ चुका है। पुतिन हर कीमत पर अब अमेरिका को घुटने पर लाना चाहते हैं। अपनी फौज के सामने पुतिन लगातार हुंकार भर रहे हैं और इस हुंकार की गूंज अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर नेटो के चप्पे चप्पे तक पहुंच चुकी है। पुतिन क्यों तिलमिलाए हुए हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए वो तस्वीर जिसकी तैयारी पुतिन कर भी चुके हैं। पुतिन के गुस्से का लेवल इस हद तक बढ़ चुका है कि रूस ने मिसाइलें सेट कर दी हैं और इन मिसाइलों का ट्रिगर भी पुतिन के हाथ में पहुंच चुका है। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का दिमाग रूस के आसपास ही घूमता है, वैसे ही पुतिन के निशाने पर 24 घंटे सिर्फ व्हाइट हाउस रहता है। पुतिन के दिमाग में सुपर पावर का पावर सेंटर व्हाइट हाउस पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार है। उनके दिमाग में व्हाइट हाउस पर हमले की एक एक बारी कड़ी फिट हो चुकी है और अगर अब अमेरिका ने कोई भी चाल चली तो पुतिन को एटम बम का ट्रिगर दबाने में देर नहीं लगेगी। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, इसे जानने के लिए पुतिन के इस बयान को सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। पुतिन का यह बयान अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दशा और दिशा तय कर सकता है। सुनिए पुतिन ने क्या कहा।
нарабатываются новые, новые... И во всем случае мы знаем, что вероятный противник над этим работает. Новые элементы, связанные с понижением применения ядерного оружия, с понижением порога применения. В частности, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, и мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что вот такие средства поражения можно было бы и применять, и ничего в этом особенно. Путин не сказал: «Судар жао, варна ула дие жаоге». अब इस मैप के जरिए देखिए जर्मनी से रूस की कितनी दूरी है। दुनिया के नक्शे में जर्मनी यहाँ पर है और रूस यहाँ पर, और दोनों के बीच की दूरी है 5,417 किलोमीटर। रूस का दावा है कि अमेरिका ऐसी मिसाइलें तैनात करने जा रहा है जो सिर्फ 10 मिनट में रूस के सामरिक ठिकानों को निशाना बना सकती है। सुनिए पुतिन को वो क्या कह रहे हैं। В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. А полетное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут. Путин на Америку жаваб дете хуе каха, ки агар Америка не Германии ме लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात किया तो इसके जवाब में रूस भी मीडियम रेंज की परमाणु मिसाइलों का उत्पादन फिर से शुरू कर देगा। यही नहीं, पुतिन ने यह भी कहा कि मिसाइलों के उत्पादन के साथ ही उनकी ऐसी जगहों पर तैनाती की जाएगी जहां से पश्चिमी देशों पर दागी गई मिसाइलों का कोई भी निशाना चूके नहीं।